जाति दुखा जब बोलते हैं भगवान बुद्ध, तो उस समय जाति ये वाली जाति नहीं होती। जाति वर्ड जाति दुखा से चला है। जाति का मतलब जन्म, जन्म दुख है उससे चला है। नेत्रान पहला जी सुन लें, आप एक जाति रखते हैं, ऊंची जाति वाले भी सुने, नीची जाति वाले भी सुने, बिना जाति वाले भी सुने, क्योंकि जाति का जो दंश है, जाति जो आदमी जबरदस्ती लेता है या छोड़ता है या लेता है, वो मर जाता है, उसको समझ में नहीं आती कि जाति है क्या। मैं समझा दूंगा आज आपको कि जाति बनी कैसे। जाति को कहते हैं कि जाति ब्राह्मण की पैदाइश है, ऐसा मैंने पढ़ा भी, बहुत सारे लोगों से सुना भी। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि जाति ब्राह्मण ने बनाई। ब्राह्मण इतना बुद्धिमान नहीं है कि वो जाति बना सके। अगर ब्राह्मण ने जाति बनाई होती, या आर्यन जिनको कहते हैं जाति बनाई होती, तो जहां से आर्य आए वहां भी जाति होती। और अगर ब्राह्मण इतना बुद्धिमान होता कि वो जाति बना सकता था, तो ये देश आज अमेरिका से आगे होता, क्योंकि वो लोग रूल करते हैं। अगर वो इतनी बुद्धि रखते कि जाति जैसी चीज को बना सकें, वो जाति का फायदा ले लेते हैं। मगर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जाति का निर्माण उन्होंने किया है। जाति का निर्माण उन्होंने नहीं किया, बेसिकली जिसने ये प्रिंसिपल दिया, जिसने एक प्रिंसिपल बनाया, उसने जाति का प्रिंसिपल नहीं बनाया। उसने एक प्रिंसिपल दिया जो यूनिवर्सल था, उन्होंने उसका मिसयूज किया, और मिसयूज करके जाति के फायदे और जाति के नुकसान की एक श्रृंखला बनाई। मैं सबसे बाद में उस आदमी का नाम बताऊंगा जिसका ये प्रिंसिपल है, जिसके आधार पर जाति बनी है। आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि उस आदमी को हम जानते हैं मगर समझते नहीं हैं, क्योंकि उसी की चैन से, उसी की कड़ी से जाति टूटेगी भी और जाति बनेगी भी। जाति नुकसानदायक नहीं है, जाति लाभदायक भी नहीं है। जाति का सिस्टम जो बना हुआ है वो बड़ा अजीब तरीके से बना हुआ है, उसकी फिलॉसफी के अनुसार, कि सबसे पहले आप ये घोषित करें, एक मन में ये बात डालें कि काला रंग जो होता है वो खराब होता है। क्योंकि काला रंग खराब नहीं होता, सफ़ेद रंग भी खराब नहीं होता, सफ़ेद अच्छा भी नहीं होता, काला अच्छा भी नहीं होता। तो खराब और अच्छा होना, ये हमारी मान्यता, हम कैसे उसको लेते हैं, या कैसे हमें बताया गया, कैसे हमने पढ़ा, कैसे हमने सुना, कैसे हमने चला। तो जाति भी खराब नहीं होती, जाति हो या ना हो से फर्क नहीं पड़ता। एक सफ़ेद कागज़ पे सफ़ेद से लिखेंगे तो सफ़ेद की कोई वैल्यू नहीं है, एक काले कागज़ पे अगर काले से लिखेंगे तो काले की कोई वैल्यू नहीं है, मगर एक काले कागज़ पे अगर सफ़ेद से लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, और एक सफ़ेद कागज़ पे अगर काले से लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। तो इसमें काला खराब कहाँ और सफ़ेद अच्छा कहाँ, दोनों का ही अलग अलग इस्तेमाल है और दोनों का अलग अलग है। तो ये बात मन में पहले डालनी पड़ेगी कि आपको कौन सा रंग अच्छा लगाना है, आपके ऊपर नहीं है। क्योंकि जिसने ये सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को उन्होंने स्टडी किया, और उस सिद्धांत को स्टडी करके वो आप पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पूरे देश पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि काला रंग खराब है, तो मन में डाला, अब काला रंग अगर खराब है तो काली सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आदमी का जो मल होता है, मल कह रहा हूं आपको, आदमी का जो मल होता है, एक्सक्रीशन होता है, उसमें से कहते हैं बदबू आती है, मगर जो उसको चेक करता है उसे बदबू नहीं आती, कहते बदबू खराब है। अगर मैं इसका नाम मल की बजाय गू बोल दूं तो आप सबका मन अभी खराब हो जाएगा, मल से नहीं हुआ, गू से हो गया, अब बदबू आनी शुरू होगी सबको। दाएं बाएं देखोगे तो कईयों के चेहरे भी खराब हो गए होंगे, कईयों को बदबू भी आ रही होगी, मल से नहीं आई। तो ये बात मन में डाली हुई है कि गू से बदबू आती है। तो जिस आदमी को खराब करना है, जिस आदमी को छोटा करना है, पहले उस जो उसमें से बू आई है उसको बदबू कहा, उसको खुशबू नहीं कहा, उसको बदबू कहा। फिर जब वो युद्ध में हार गया तो उसको उस काम पे लगाया। अब वो काम करे या ना करे, उसके माइंड में ये बात सेटल की गई कि ये काम गंदा है, यानी रंग काला है तो उसको काला बोला गया, काला खराब है। गोरा भी खराब हो सकता है, बहुत जगह गोरे भी खराब होते हैं। भारत का कितना भी सुंदर आदमी अगर अमेरिका में चला जाए तो काला होता है, उनके लिए वो काला है, तो उनके लिए चीज़ें अलग आती हैं। तो कैसे उन्होंने क्रिएट किया कि माइंड के अंदर प्रिंसिपल नहीं है उनका, ये बात ध्यान रखना कि वो इतने बुद्धिमान नहीं है कि वो इस प्रिंसिपल की पूंछ भी बना सके। अगर वो इतने बुद्धिमान होते तो हम देश में बहुत आगे होते, अमेरिका से आगे होते, ये बात बिल्कुल मान लें। देश हमारा तरक्की नहीं कर पाया, अनपढ़ है देश, जो उनके हाथों में देश था, जिनको हम ये कहते हैं जाति बढ़ाने का श्रेय उनको है, श्रेय नहीं है उनको, वो बुद्धिमान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है
हमारी शिक्षा खत्म करके और जहां से शिक्षा आई उस शिक्षा का मिसयूज करके, गलत इस्तेमाल करके। तो कैसे काम करता है? अब अगर काला बोल दिया और काला खराब भी घोषित कर दिया तो उससे संबंधित सारी चीज खराब होनी शुरू हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। अगर वो सफेद भी हो गया तो भी वो काला उसके पीछे लगेगा। कैसे? जैसे किसी गोरे आदमी को कहते हो ए कालू, वो एक बार चिढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैं तो गोरा हूं, मगर लगातार उसको बार बार कहते रहे, बार बार कहते हैं ओए कालू, तो उसकी चिड़ बन जाएगी। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं, वो उसको मानता है या नहीं। अगर वो जवाब देता है ओए कालू कहने पे, तो इसका मतलब है कि वो असर कर गया। अब वो गोरा भी कालू हो गया और वो चिड़ने लगा। जब वो चिड़ने लगेगा तो उसके असर आने लगेगी। अब ये असर जो आते हैं, क्योंकि आपने जो मैकेनिज्म, जो उस आदमी ने मैकेनिज्म बनाया उसका इस्तेमाल करके, उसको उपयोग करके वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने काला कहा, उन्होंने बदबूदार कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो चमड़ा काटना बेकार है, उन्होंने ये कहा कि ये गंदा काम है। उस गंदे काम के साथ उन्होंने ये मान्यता भी जोड़ी कि ये जो काम करने वाले लोग हैं ये हैं ही गंदे। ये मन में आया, जैसे अभी अभी आपको बू कहा तो आपका मन खट्टा हो गया, और मल कहा तो ठीक है, और एक्स किस्म का तो समझ में नहीं आया, और इसको अगर मैं फारसी में बोलूँ तो वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। तो जाति का क्रिएशन जो हुआ उस सिद्धांत पर हुआ। जाति का जो क्रिएशन है, जाति जो पैदा हुई वो किस सिद्धांत से आधारित हुई कि उन्होंने माइंड के अंदर उस आदमी का ज्ञान लेके हमारे माइंड में वो जमा दी। किसने जमाई है? क्योंकि उसका फायदा है, उसका नुकसान भी है। कैसे फायदा है? जैसे ये सीढ़ियां हैं सारी, उन्होंने सीढ़ियों के आधार से जाति बनाई, तो जो ऊपर बैठा हुआ है उसके दिमाग में जाति का आनंद आता है। जाति का आनंद आपने भी लिया होगा कभी। जाति का अगर आनंद नहीं लिया है तो आप अपनी छोटी जात वाला जो सिस्टम में है, लिखित में नहीं है कहीं, प्रैक्टिस में सिस्टम में है, उसके बारे में उससे बात करेंगे तो जो आनंद आपको प्राप्त होता है वो ऊंचे वाले को प्राप्त होता है, और ऊंचे वाले को देख के जो आपको प्राप्त होता है, जो आपके मन में आता है वो नीचा है। ये सिस्टम है, ये उस सिस्टम का रूप है जो सिस्टम उन्होंने बनाया कि ये एक दूसरे में उलझे रहें जाति के नाम पे, और जाति अपना काम करती रहे। किस लिए? क्योंकि आनंद ऊपर वाले को आता है, उससे नीचे वाले को नीचे वाले का आता है, मगर सबसे लास्ट वाले को नहीं आता। बाबा साहब इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने नीचे वाली सीढ़ी पूरी खत्म कर दी। अब जाति को खत्म करने का जो तरीका जो उस व्यक्ति ने बताया या जो व्यक्ति है वो क्या है? ये सारी सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को अगर फ्लैट कर दें हम तो जाति खत्म हो जाती है। इस सीढ़ी को छोड़ के भाग जाए तो भी जाति खत्म हो जाती है। और उसका सबसे सरल जो उपाय है वो ये है कि आप अपने माइंड में जो आपको लगातार बताया गया है, जो बार बार कहा गया है, जो बार 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 पेनिट्रेट किया जाता है, जो बार 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 रिपीट किया जाता है, उसको एक सेकंड के लिए मान के तो छोड़िए, क्योंकि जाति बाहर तो है नहीं। अब सिद्धांत जो कहता है वो ये कहता है कि अगर रिपीटेशन होगा तो जाति मजबूत होगी, और अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी। कैसे काम करता है ये? काम भी कैसे करता है? क्योंकि उस आदमी ने जो सिद्धांत दिया वो ये कहता है कि हर चीज मन से पैदा होती है और मन से खत्म होती है। सिद्धांत उसका है, मन से समझ में आ गया, वो सिद्धांत उसका है, बुद्धि उसकी है। उसने व्यवस्था खत्म करने के लिए सिद्धांत बनाए थे, उस सिद्धांत का मिसयूज करके उन्होंने और बड़ी व्यवस्था हमारे ऊपर डाली, मगर खत्म ही है वहीं से होगी। इसको आप ये सहें कि भाई ये जाति चली जाए ये बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि आप उसको रिपीट कर रहे हैं। आप इस पर वर्क करेंगे ये बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि आप इसको रिपीट कर रहे हैं। ये रिपीट करते 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 बढ़ेगी। बाहर नहीं है, बाहर अगर ढूंढेंगे तो आपको उसका लाभ और नुकसान मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर नीचे हैं तो आपको इसका नुकसान ऊपर वाले सबका मिलेगा, और अगर बीच में हैं तो ऊपर वालों को उसका फायदा मिलेगा, आपको आपके नीचे वालों का फायदा मिलेगा, मगर इसका अल्टीमेटली नुकसान देश को है। देश को इसके लिए कहीं कोई फायदा नहीं है, और उन लोगों को देश से कोई मतलब भी नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे, जो जाति वाला कॉन्सेप्ट है आप ये मान के चलें, क्योंकि जो जाति जिसको सबसे ज़्यादा परेशान हमारे लोग हैं, उसको मैंने कई बार कहा है, हमारे बबन रावत हैं वो कहते हैं कि हम जंगी हैं, जंगी हैं, हमको, मैं नाम लूँगा किसी को बुरा लगे, लग जाए भक्त होगा, हमको भंगी बनाया गया। जो लोग अपने आप को भंगी कहते हैं उनको पता ही नहीं है कि वो भंग वर्ड आया कहाँ से है। भगवान बुद्ध का जो भव वर्ड है, भव का मतलब जीवन चक्र को समझने वाला, जिसको भंग ज्ञान बोलते हैं, वहाँ से भंग वर्ड निकला है, यानी वो सबसे ऊँचे थे। और जो चीवर वाला वर्ड है जिसको हम चादर बोलते हैं, चीवर से चादर बना, और चादर से चमार चमड़ चूड़ा सारे वर्ड बने, वो सारे हमारे हैं। कैसे हैं? क्योंकि आज भी हम जब किसी का सम्मान करते हैं तो चादर डालते हैं, चीवर डालते हैं।
जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि नहीं, अब जैसा भी था वैसा ठीक है, अब इसको सम्मान दो, तो हम चादर डालते हैं। चादर डालने की परंपरा भारत में है क्योंकि चादर से सारे वर्ड बने हुए हैं। और ये कमाल की बात है कि चूड़ा चमार एक भाई एक साथ रहने वाले हैं और पुराने ज्ञानी हैं। इस पुराने ज्ञान को उन्होंने क्या कहा कि भंग वर्ड को उन्होंने खराब करना शुरू किया, जैसे काला कहना शुरू किया, तो भंग वर्ड करते 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 उसकी मान्यता इतनी गंदी बना दी, इतनी गंदी गंदी बना दी कि आदमी को अगर गलती से पता चल भी जाए कि वो उसका नाम भंग ज्ञान में है तो वो कहता नहीं डर की वजह से। उन्होंने हमारे उस भंग ज्ञान को खत्म करने के लिए डर पैदा कर दिया। डर पैदा हो गया इतना ज्यादा कि हम छुपाने लगे, हम चमार छुपाने लगे, चमड़ छुपाने लगे, चूड़ा छुपाने लगे, और छुपा छुपा के हमने जो हाईएस्ट हमारी एजुकेशन की डिग्री थी वो खत्म कर दी। हम कहते नहीं शान से कि हम चीवर वाले लोग हैं, हम कहते नहीं शान से कि हम भंग ज्ञानी लोग हैं। भंग ज्ञान तो यहाँ था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि बुद्ध जैसा व्यक्ति जिसने ये सिद्धांत दिया उसने 6 साल तक पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद में कहता है कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं है, खत्म हो गई। क्योंकि अगर पढ़ाई और होती तो वो पढ़ता ना, अगर पढ़ता 6 साल तक उसने सारा पढ़ा, जितना भी उसमें सांख्यिक ज्ञान था या जितना भी ज्ञान था, जो भी ज्ञान उस समय था शब्दों में, वो तो सारा पढ़ा उसने। अब कहता ज्ञान ही नहीं है कहीं, तो कहाँ से लाऊं? और वो कहता है इस ज्ञान से तो बात बनी नहीं, इस ज्ञान से दुख दूर नहीं हुआ। तो ज्ञान से दुख दूर ना होने के लिए फिर उसने एडवांस जो कोर्स थे वो उसने खुद डेवलप किए। तो एडवांस कोर्स डेवलप करने के बाद में उसने 3 तरह के ज्ञान को इकट्ठा किया। पहला उसने जो पब्लिक का ज्ञान होता है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे जीना, राजा क्या करना कैसे नहीं करना। दूसरा उसने जो टीचर थे उनके नियम बनाए, जिसको विनय पीटर बोलते हैं। और तीसरा ज्ञान ये है जिसको अभिधम्म बोलते हैं, जिस पे बेस्ड जातियां उन्होंने बनाई हैं। आपके खुद के बुद्ध के ज्ञान को मिसयूज करके उन्होंने जातियां बनाई हैं। और कमाल की बात यह है कि आपके खुद के बुद्ध के ज्ञान को ही इस्तेमाल करके जातियां आप खत्म कर सकते हैं। क्योंकि वो ये कहता है कि अगर आपका किसी से दुश्मनी है, अगर आपको कोई छोटी जात का बोलता है, तो आप दिन में कितनी बार रिपीट करते हो डिपेंड इस पे करता है, आप भूले या नहीं भूले इस पर डिपेंड करता है। अगर आप बस में जाते हुए आपको याद रहता है कि जाति कैसे काम करती है, तो इसका मतलब जाति काम करेगी। क्योंकि आप जब सामने कोई जाति पूछता है तो वो इसलिए पूछता है, या आप बताते हो तो इसलिए बताते हो कि वो जाति के फायदे उठा सके, फिर जाति मजबूत होती है। और आप खुद मन में ये मानते हैं कि आपकी जाति है तो आप जाति के पोषक हैं और आप अपने शोषण के खुद ही अधिकारी हैं, क्योंकि आप उसको ढो रहे हैं। वो कहीं लिखित में नहीं है, कहीं वो परंपरा में नहीं है, वो सिर्फ अभिधम्म की प्रैक्टिस में है, अभिधम्म से बनी है, वो बुद्ध के सिद्धांत को मिसयूज करके बनी है, उन लोगों में नहीं है, उन्होंने नहीं बनाया है, ये अभिधम्म के सिद्धांत से ही वापस चल जाएगी। इसलिए प्रधान जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं तो उसको याद करना बंद कर दीजिए, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। आपका ज्ञान सर्वोपरि, आप सबसे ऊँचे हैं, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा, हम सब भाई हैं। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि ये मूल निवासी का कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, और यहाँ हमने कोई नेतागिरी या कोई मंच या कोई भाषणबाजी का ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा।